हाई एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं अनुज, आपका फ्रेंड। दोस्तों, आज का प्रोनंसिएशन वर्ड ऑफ द डे ये रहा आपकी स्क्रीन पे, डायरेक्ट, है ना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वर्ड को डायरेक्ट प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं एंड कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले इसका हिंदी बता देता हूँ। इसका हिंदी होता है मार्गदर्शन करना, या आप कह सकते हो राह दिखाना, एंड इसका हिंदी सीधा भी होता है, ठीक है। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसके तीन उच्चारण होते हैं, ठीक है। पहला आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, यानी र पे हमें स्ट्रेस देना है। प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ पे है? र पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, जहाँ भी प्राइमरी स्ट्रेस होता है हमें वहाँ पे थोड़ा सा रुकना होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट, ओके। दूसरा उच्चारण है इसका डायरेक्ट, डायरेक्ट, ओके। एंड र पे ही स्ट्रेस देना है, सभी पे र पे ही स्ट्रेस देना है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो इसका उच्चारण होता है ये होता है डायरेक्ट, ओके। या आई डायरेक्ट हिम, ओके, आई डायरेक्ट हिम एंड आई डायरेक्ट हिम, ओके। आप तीनों बोल सकते हैं, तीनों ही सही है। कोई भी ब्रिटिश एंड यू नो अमेरिकन एक्सेंट का कोई भी इशू नहीं है। आप कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी टाइम आप तीनों का यूज कर सकते हो। तीनों में से किसी भी एक का आप यूज कर सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। चाहे बोलो डायरेक्ट, चाहे बोलो डायरेक्ट, चाहे बोलो डायरेक्ट, तीन के तीनों सही है दोस्तों। सो आई होप यू गाइज मस्ट हैव गॉट इट। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वर्ड के साथ। Till then, take care. Bye-bye.